हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्रॉन्स पुलाव। ये बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी है और झटपट बन जाती है। सबसे पहले हम पैन में घी लेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें हम अक्के गरम मसाले डालेंगे, जो कि दालचीनी डालेंगे 2, लौंग लेंगे हम 7 से 8, काली मिरी डालेंगे 7 से 8, 2 तेज पत्ता डालेंगे और शाहजीरा 1 टेबलस्पून डालेंगे। इसे हम 1 मिनट तक सॉटे करेंगे। फिर हम इसमें हमारे 2 ऑनियंस लेंगे, जो कि लंबी स्लाइस किए हुए हैं, और इसे हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें आलू डालेंगे, जो कि हमने 2 लिए हैं मीडियम साइज के और इसे कट किए हैं। इसे हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे आलू थोड़े गल जाए। फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, जो कि 1 टेबलस्पून लिए हैं। हरी मिर्ची लेंगे हम 4 से 5 बारीक चॉप की हुई। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हमें मीडियम ही रखना है। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, जो कि धनिया पाउडर लेंगे 2 टेबलस्पून, जीरा पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 2 मिनट तक पकाएंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, क्योंकि वाइट प्रॉन्स पुलाव है। अब हम 2 बड़े टमाटर लेंगे और इसे बड़े स्लाइस में कट कर इसमें डाल देंगे। फिर हम इसमें 2 हरी मिर्ची डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप 3 से 4 भी डाल सकते हैं, और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे। और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट के बाद इसमें हम प्रॉन्स डालेंगे। मैंने मीडियम साइज प्रॉन्स लिए हैं, जो कि 1/2 kg है, और हम इसमें नमक डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से ही हम डालेंगे। अब इस मसाले को हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा धनिया और पुदीने के लीव्स डालेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने 2 ग्लास चावल लिया है, तो हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे। फिर हम इसमें नमक डालेंगे। हम चावल के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे। अब इसे कवर कर इसे बॉईल होने तक पकाएंगे। अब ये बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे, जो कि हमने 1/2 घंटे तक भिगोकर रख दिया था। Thank you.
इस सब को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे, चावल और मसाले को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद हम 4 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे रख देंगे। और ये देखिए मज़ेदार पुलाव रेडी है। अब हम इसे धनिया पत्ता और पुदीने के पत्ते से गार्निश करेंगे। हम इसमें फ्राइड ऑनियंस भी डालेंगे गार्निशिंग के लिए, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। और अब हमारा प्रॉन्स पुलाव रेडी है। बहुत ही यमी, इजी, सिंपल सा डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।